नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जब उसका ही उद्धार हुआ, जैसी भावना लेकर रविवार को जिले के ग्राम लोहारी से मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली नन्हेश्वर धाम जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई। भोले की भक्ति में लीन होकर भक्त कांधे पर कांवड़ लिए सुमधुर भजनों की धुन पर झूमते हुए नन्हेश्वर पहुँचे। यात्रा के खरगोन पहुंचने पर टैगोर पार्क में महाकाल सेवा समिति ने भव्य स्वागत किया। यहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर जलपान कराया गया। इसके बाद शहर से भी भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भोले शंभू भोलेनाथ, हर घर महादेव का जयघोष गुंजायमान होता रहा। यात्रा में शामिल सदस्यों ने बताया कि यह सावन मास में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। हमारे जिले देश प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, यही भाव लेकर यात्रा निकाली जा रही है। बाइक गोविंद राठौर, राजेश वर्मा। निकालते बाबा निलेश्वर देव जी, और ये तीसरा वर्ष भी है और आने वाले समय वो निकालते रहेंगे। क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहे और सब गांव की उन्नति हो, शहर की उन्नति हो, सनातन का प्रचार होता रहे। मेरा नाम गोविंद राठौर, राष्ट्रीय भगवान सेना प्रदेश ग्रामीण अध्यक्ष। महाकाल सेवा समिति और राष्ट्रीय भगवान सेना लोहारी से कांवड़ यात्रा निकली है, जो बाबा धन्यश्वर महादेव के वहाँ जाएगी। और ये तीसरा वर्ष है कांवड़ का, और ये शहर सबका अच्छा हो इसके लिए कांवड़ निकाली जा रही है। ये लोहारी से धन्यश्वर के लिए। इसके सोच ये है कि हमारे जो परंपरा चले आ रही है कि श्रावण मास में महादेव के ऊपर कांवड़ जाती जाके जल चढ़ाते हैं, उसी परंपरा को पूरा हम जीवित कर रखेंगे और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। राजेश वर्मा, महाकाल सेवा समिति अध्यक्ष।